हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मेसी इंडिया। आरआरबी फार्मासिस्ट सुपर 30 सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे हार्मोन्स फार्माकोलॉजी पार्ट वन। चलो शुरू करते हैं। तो शुरुआत करेंगे हार्मोन्स एंड रिलेटेड ड्रग्स के कुछ क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेटिंग द सीक्रेशन ऑफ मिल्क आफ्टर चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ होने के बाद वो कौन सा हार्मोन है जो मिल्क सीक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? फर्स्ट एस्ट्रोजन, सेकेंड प्रोलैक्टिन, थर्ड प्रोजेस्टेरॉन, लास्ट वन इज ऑक्सीटोसिन। इसमें से ऑक्सीटोसिन जो है इसे लव हार्मोन भी कहा जाता है। प्रोलैक्टिन वर्सेस ऑक्सीटोसिन, इन दोनों में से एक केमिकल हो सकता है जो कि मिल्क सीक्रेशन को स्टिमुलेट करेगा, क्योंकि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन ये जो हार्मोन है ये फॉलिकुलर डेवलपमेंट में हमारी मदद करते हैं, रिप्रोडक्टिव साइकिल को डेवलप करने के लिए मदद करते हैं। बट प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन जो है वो मिल्क सीक्रेशन एंड मिल्क इजेक्शन प्रोसेस में एक अपना रोल प्ले करते हैं। इस सवाल का आंसर है ऑप्शन बी, प्रोलैक्टिन। मिल्क सीक्रेशन की प्रोसेस को शुरू करने के लिए आफ्टर द चाइल्ड बर्थ जो केमिकल आपकी मदद करता है उसका नाम है प्रोलैक्टिन। इट इज द प्राइमरी हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क प्रोडक्शन पोस्ट चाइल्ड बर्थ, वाइल ऑक्सीटोसिन हेल्प्स इन मिल्क इजेक्शन। मिल्क इजेक्ट करने के लिए ऑक्सीटोसिन मदद करेगा, बट सीक्रेशन के लिए बेसिकली यहाँ पे प्रोलैक्टिन आपकी मदद करता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। What is the main function of growth hormone? Growth hormone का main काम क्या है? Stimulates glucose uptake in the muscles, promotes growth of bones and tissues, increases heart rate, regulates calcium balance. तो इनमें से कौन सा option है जो growth hormone से ज्यादा connect करेगा? वैसे तो growth hormone का secretion ज्यादा होता है तो gigantism and acromegaly ऐसी दो problems हो सकती है, लेकिन अगर इसका सीक्रेशन बहुत ज्यादा मात्रा में कम होता है तो एक प्रॉब्लम होगा, दैट इज कॉल्ड एज ड्वार्फिज्म। तो ग्रोथ हार्मोन का मेन काम है टू प्रमोट ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टिश्यूज। हमारी बॉडी की जो यूनिफॉर्म ग्रोथ है उसे कंट्रोल करने के लिए ग्रोथ हार्मोन आपकी मदद करता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। हार्ट रेट को बढ़ाने का काम कौन करेगा? एड्रेनालिन करेगा। ग्लूकोज का अपटेक कौन बढ़ाएगा? इंसुलिन बढ़ाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय द पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। हमारी पोस्टेरियर पिट्यूटरी जो है वो कौन से हार्मोन को रिलीज करती है? फर्स्ट ग्रोथ हार्मोन, सेकेंड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थर्ड ऑक्सीटोसिन, लास्ट प्रोलैक्टिन। तो हमारी पोस्टेरियर पिट्यूटरी जो है वो दो हार्मोन्स को कैरी करती है, एक तो होता है ऑक्सीटोसिन, दूसरा होता है वैसोप्रेसिन। तो क्या इन ऑप्शंस में ऑक्सीटोसिन मेंशन है? है ना, दैट इज ऑप्शन सी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ऑक्सीटोसिन। वैसोप्रेसिन का दूसरा नाम है एंटी डायुरेटिक हार्मोन। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो फिर आपको होगा डायबिटीज इंसिपिडस। विच हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय एड्रेनल मेड्यूला। वो कौन सा हार्मोन है जो एड्रेनल ग्लैंड का मेड्यूला पोर्शन जो है वो प्रोड्यूस करता है? एड्रेनल ग्लैंड के दो सेक्शंस है, वन इज कॉर्टेक्स, सेकंड वन इज मेड्यूला। तो मेड्यूला रीजन जो है वो कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करेगा? कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरॉन, एड्रेनालिन या टेस्टोस्टेरॉन? कोई बताना चाहेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कॉर्टिसोल को स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। एल्डोस्टेरॉन रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एड्रेनालिन हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का प्राइम केमिकल है। तो वो कौन सा हार्मोन है जो एड्रेनल मेड्यूला प्रोड्यूस करता है? आंसर इज एड्रेनालिन, आंसर इज एड्रेनालिन। वैसे तो कॉर्टेक्स सेक्शन जो है वो कॉर्टिसोल एल्डोस्टेरॉन इन दो केमिकल्स को रिलीज करता है। The thyroid gland secretes which two main hormones? हमारी thyroid gland कौन से दो hormones को release करती है? Insulin and glucagon, thyroxine and triiodothyronine, parathormone and calcitonin, estrogen and progesterone. Insulin and glucagon को secrete करने का काम
पैनक्रियास करता है। कैल्सिटोनिन एंड पैराथॉर्मोन को रिलीज करने का काम हमारी पैराथायरॉइड ग्लैंड करती है। तो बचता है ऑप्शन बी वर्सेस डी, इसमें से एक ही ग्लैंड है, एक ही हार्मोन की कैटेगरी है जो कि थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होता है, वह है T4 एंड T3, टेट्राआयोडोथायरोनिन एंड ट्राईआयोडोथायरोनिन। विच हार्मोन इंक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय प्रमोटिंग ग्लाइकोजिनोलाइसिस? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इज कॉल्ड एज ग्लाइकोजिनोलाइसिस। इनमें से कौन सा हार्मोन ग्लूकोज की लेवल को इंक्रीज करता है जब आपको होता है हाइपोग्लाइसिमिया? फर्स्ट इंसुलिन, सेकेंड ग्लूकागॉन, थर्ड सोमैटोस्टैटिन, लास्ट प्रोलैक्टिन। जैसे कि पैनक्रियास के अंदर अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स एंड डेल्टा सेल्स होती है। अल्फा सेल्स का काम होता है ग्लूकागॉन को रिलीज करना, बीटा सेल्स का काम है इंसुलिन को रिलीज करना एंड डेल्टा सेल्स सोमैटोस्टैटिन को रिलीज करती है। और इनका अलग अलग फंक्शन है, जिसमें से ग्लूकागॉन जो है ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है, इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करता है, सोमैटोस्टैटिन जो है इन दोनों हार्मोन के सीक्रेशन को कंट्रोल करता है। तो सवाल ये था, कौन सा हार्मोन है जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है बाय प्रमोटिंग ग्लाइकोजिनोलाइसिस? एंड द आंसर इज ग्लूकागॉन। एक ऐसा हार्मोन है जो ग्लाइकोजिनोलाइसिस प्रोसेस को प्रमोट करके ग्लाइकोजन का कन्वर्जन ग्लूकोज में करवाता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। विच हार्मोन इज रिलीज्ड इन रिस्पॉन्स टू लो कैल्शियम लेवल इन द ब्लड? अगर हमारे ब्लड सर्कुलेशन में कैल्शियम की लेवल बहुत ज्यादा मात्रा में कम होती है तो कौन सा हार्मोन रिलीज होगा? कैल्सिटोनिन, पैराथायरॉइड हार्मोन, थायरोक्सिन, एल्डोस्टेरोन। इट इज पैराथायरॉइड हार्मोन। पैराथायरॉइड हार्मोन इज रिलीज्ड टू इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल व्हाइल कैल्सिटोनिन लोअर्स देम। दोनों के फंक्शन में डिफरेंस है। कैल्सिटोनिन एक्चुअली ब्लड कैल्शियम लेवल को कम करने का काम करता है, व्हाइल पैराथायरॉइड हार्मोन जो है वो ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को बढ़ाने का काम करता है। ये दोनों हार्मोन आपको कंफ्यूज कर देंगे, कैल्सिटोनिन पैराथायरॉइड हार्मोन। क्वेश्चन पूछा है विच हार्मोन इज रिलीज्ड इन रिस्पॉन्स टू लो कैल्शियम लेवल। अब कैल्शियम लेवल को अगर बढ़ाना है तो फिर यहाँ पे पैराथायरॉइड हार्मोन बोन से कैल्शियम को ब्लड के अंदर रिलीज कर देगा। लेकिन अगर कैल्शियम की लेवल बहुत ज्यादा है और उसे एब्जॉर्ब करवाना है तो फिर कैल्सिटोनिन आपकी मदद करेगा। दैट्स व्हाई आंसर इज ऑप्शन बी। व्हाट इज द रोल ऑफ इंसुलिन इन योर बॉडी? इंसुलिन का मेन फंक्शन क्या है आपके बॉडी में? इट इंक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल, इट डिक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल, इट स्टिमुलेट्स ग्लाइकोजिनोलाइसिस, इट इंक्रीजेस प्रोटीन सिंथेसिस। इंसुलिन का काम एकदम इजी है, वो ग्लूकोज से ही कनेक्ट करता है। ऑप्शन ए वर्सेस बी, दोनों में से एक ही होगा। इट इज इट डिक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल। ये जो पर्टिकुलर इंसुलिन है ये हमारे मसल सेल्स को, फैट सेल्स को सिग्नल देता है कि ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज एब्सॉर्ब किया जाए। सो आंसर इज ऑप्शन बी। विच हार्मोन इज इन्वॉल्व्ड इन द स्ट्रेस रिस्पॉन्स एंड इट इज सीक्रेटेड बाय एड्रेनल कॉर्टेक्स? वो कौन सा हार्मोन है जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स में रिलीज होता है? एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन, कॉर्टिसोल या एल्डोस्टेरोन? जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कॉर्टेक्स रीजन से जो हार्मोन रिलीज होता है उसे हम स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं और उसका दूसरा नाम है कॉर्टिसोल। इट इज कॉर्टिसोल। बेसिकली ये हार्मोन स्ट्रेस रिस्पॉन्स एंड मेटाबॉलिज्म रेगुलेशन में इन्वॉल्व है। ये जो हार्मोन है ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का ही एक पार्ट है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉटर रीअब्सॉर्प्शन इन द किडनीज? हमारी किडनी वाटर को अगर रीअब्सॉर्ब करती है उसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? एल्डोस्टेरोन, एंटीडायबिटिक हार्मोन, रेनिन या कॉर्टिसोल? कोई बताना चाहेगा? एकदम इजी क्वेश्चन है। एक ऐसा हार्मोन जिसकी डेफिशिएंसी से डायबिटीज इंसिपिडस होता है। एक ऐसा हार्मोन अगर प्रॉपरली सीक्रेट नहीं हुआ तो फिर आपकी बॉडी डिहाइड्रेशन फील करेगी।
दैट हार्मोन इज एंटीडायरेटिक हार्मोन. इसका दूसरा नाम है वैसोप्रेसिन. इसका दूसरा नाम है वैसोप्रेसिन. वैसोप्रेसिन के दो टाइप के रिसेप्टर है, वैसोप्रेसिन 1, वैसोप्रेसिन 2. दोनों जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर फैमिली से बिलोंग करता है. ये थे हमारे पार्ट 1 के 10 एमसीक्यूज. जल्दी मिलेंगे पार्ट 2 में. तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए. ऑल द बेस्ट.